कि जब तक कार्यक्रम चलेगा तब तक बारिश नहीं होना चाहिए, और जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही हो। हमको लगा था एक घंटा के अंदर अंदर इतना घनघोर बारिश होगा कि आप भी कहेंगे कि जो नेता कहा था वही करके गया है। तो एक बार मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में पार्टी के बहुत पदाधिकारी हैं, मैं पहले उनके बारे में बता दूं, उनका नाम ले लूं, उसके बाद मैं अपनी बात को बताने का प्रयास करूंगा। इसके पहले ये 200 रुपया किसी भाई ने हमको भिजवाया है, ये 200 रुपया कमलेश राजभर जी ने हमको भिजवाया है। अब वो काम करते हैं राजगीर का, मतलब मिस्त्री का काम करते हैं। ये 200 रुपया मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि मेरे लिए 200 रुपया 200 करोड़ के बराबर है, जिसकी मैं बात अभी गाड़ी में कहते हुए आया हूं। मैं सुरेंद्र भाई से इसी पैसे के बारे में बात कर रहा था कि भैया आज भी हमारे गांव गरीब के लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, पार्टी चलाने के लिए ये कारवा न रुके, हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगा, हमारे महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कैसे मिलेगी, हमारी सरकार कैसे बनेगी। आज भी गांव गरीब के लोग ऐसे लोग हैं, अगर हम लोग मुंह खोल दे तो 10-10 रुपए इकट्ठा करके 50-100 रुपए गाँव से देने का लोग कार्य करते हैं। इतनी बड़ी ताकत सुनते भारतीय समाज पार्टी में। मैं आपको बताता हूँ, जब 2022 का चुनाव बीता, 2022 का चुनाव बीता, चुनाव बीतने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग गए, उन्होंने बुलाया, मैं गया हुआ था, उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ कि इतनी बड़ी पार्टी तुम लोग बिना पैसे के चलाते कैसे हो। हमने कहा इतनी बड़ी पार्टी बिना पैसे का ऐसे चल जाता है कि आप जाएंगे तो आपको सरकारी तंत्र के माध्यम से भीड़ आती है, और जब हम जाते हैं तो वही गरीब अपना पैसा, अपना खाना खा करके, अपना पैसा लगा करके, अपना संसाधन करके गोरखपुर या कहीं भी पूरे प्रदेश के कौनों जनपद में जाते हैं, सारे लोग चले जाते हैं कि लड़ाई हमारा ओम प्रकाश राज बदल रहा है, इससे इसकी ताकत कभी कमजोर ना हो, और जब तक ये ताकतवर रहेगा ऐसे ही समाज का नाम आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही हमारा हिस्सेदारी भागीदारी की बात होती रहेगी। साथियों, इस देश की रक्षा किया, जिसने इस देश की सुरक्षा किया, जिसने इस देश में हिंदुत्व को पुनः स्थापित किया, जिसने इस देश में राजपुर समाज के साथ साथ इस देश की माताओं और बहनों की रक्षा किया, जिसने इस देश की रक्षा सुरक्षा किया, जिसने इस देश की संस्कृति सभ्यता को स्थापित न करने का प्रयास किया, ऐसे जातियों से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी जाति कौन सी है। साथियों, 20 साल पहले जिस धरवा को धरवा कहा जाता था, ओम प्रकाश राठौर ने प्रण लिया कि अगर इस देश में बाबू साहब हो सकता है, पंडित जी हो सकता है, यादव जी हो सकता है, चौरसिया जी हो सकता है, पासवान जी हो सकता है, चमार भाई हो सकता है, तो फिर राजभर को फरवा क्यों कहा जाता है। अब राजभर को राजभर जी कहना पड़ेगा, और हमने दिवस कर दिया, हमने दिवस कर दिया, हमने देश के नेताओं को दिवस कर दिया। जब राजा सुहेलदेव का जयकार होता था तो देश के नेता पूछते थे ये राजा सुहेलदेव राजभर कौन है, लोग पूछते थे कि राजा सुहेलदेव कौन है, लोग ऐसे पूछते थे ये सुहेलदेव कौन है, अरे बेईमान, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपनी ताकत को दिखाया और देश के प्रधानमंत्री को भी बात कर दिया, अयोध्या में खड़ा होकर के राजा सुहेलदेव के नाम पर जय जयकारा लगाया जाता है। साथियों, इतनी बड़ी ताकत आपकी एकता में है। आज जानते हैं भरवा से कितना परिवर्तन हो गया। मैं पहले ही कहा, सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन की बात होनी चाहिए। हमके कोई जनते ना हो तो हमके हिस्सा कहाँ से मिली, हमार जनसंख्या कितना बा, जब एक बारे में कोई की जानकारी ना बा तो हमके आरक्षण कहाँ से दे, हमके हमार हिस्सा कहाँ से दे पाई। उनके तो ये पूछा था जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको तो ये लग रहा है कि ये राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, पासवान, चौहान, गोर कहा, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग कैसे अपनी सरकार बना लें, इसीलिए आपका हिस्सा लूटा जा रहा था, इसीलिए आपकी भागीदारी छीनी जा रही थी। आप देखो सामाजिक परिवर्तन कितना जबरदस्त हुआ, जब आपने अपने पार्टी का दामन थामा, जब आपने नमस्ते प्रणाम छोड़ करके जब जय सुहेलदेव बोलना चालू किया, जब आपने दूसरों का झंडा उतार करके ये पीला झंडा अपने दरवाजे पर लगाना चालू किया, जब दूसरों की रैली में जाना बंद किया आपने, अपने रैली में जाना चालू किया, सारे पार्टियों को वोट देना
लोकार्पण किया आपने और अपने पार्टी को देना चालू किया, तो जो 20 साल पहले भरवा लोग कहा करते थे, थोड़ी सी ताकत आपने इकट्ठा किया, वही भरवा भर कहने लगे। उसी भरवा को लोग भर कहने लगे। जब थोड़ी सी ताकत और आपने इकट्ठा किया तो उसी भर को राजभर कहने लगे लोग। अगर 2017 में आपकी पार्टी से 4 विधायक होते हैं, जब आपका नेता जीत करके विधानसभा में जाता है, तो यही भरवा कहने वाले लोग उसी भरवा को राजभर जी कहना चालू कर दिए। साथियों, और जब राजभर जी कहना चालू कर दिए तो राजभर जी के बाद देखो राजभर शब्द कहां से जुड़ गया। और उसके बाद जब नेताजी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और 18 महीना सरकार में झगड़ा करने के बाद, हिस्सेदारी के लिए झगड़ा करने के बाद, जब कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया गया, तो यही देश की मीडिया जो राजभर को नहीं जानती थी, आपने फिर ब्रेकिंग में देना चालू कर दिया कि राजभर साहब का कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा।